जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ यह ओल्ड पुराना नेशनल हाईवे 53 है जो अब बंद हो चुका है और आगे यह नए नेशनल हाईवे 53 पर जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स यह खल्लारी माता मंदिर है जो कोड़ार बांध से जस्ट जुड़ा हुआ है और नेशनल हाईवे 53 से भी लगा हुआ है। हम आगे चलते हैं और यह नेशनल हाईवे ओल्ड नेशनल हाईवे है जो न्यू नेशनल हाईवे 53 से लगा हुआ। कहूँ शहीद वीर नारायण सिंह बांध कोड़ार बांध यह गार्डन गार्डन का गेट है और आगे चलते हैं और आगे का व्यू देखते हैं। गार्डन कोड़ार बांध का आप यहाँ बहुत हाइट में है, जितना कटिंग होना चाहिए लेवल में उतने नहीं है। फ्रेंड देख सकते हैं मैं इस वक्त गार्डन के अंदर हूँ जो कोड़ार बांध का गार्डन है। आप कहीं इस लोकल एरिया से हैं या महासमुंद जिले से हैं तो आपको कहीं पिकनिक मनाना हुआ तो आप इस गार्डन में आ सकते हैं, और आप कहीं बाहर के हैं तो नेशनल हाईवे 53 से गुजर रहे हैं तो भी आप अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ रुक सकते हैं, पिकनिक मना के जा सकते हैं। बहुत ही शांति एरिया है तो आप आ सकते हैं यहाँ और देख सकते हैं। ये है आगे मैं आपको और ले सकता हूँ झूला फिसल पट्टी, ये झूला है फिसल पट्टी बच्चे लोग के लिए सब। बोर्ड बस नहीं चलता यहाँ, बोर्ड चलता तो और बहुत ही अच्छा लगता कि चलो पिकनिक बनाया मनाने के साथ साथ अपन बोर्ड में भी घूम ले पानी। हाँ मछली मारने के लिए नाव चलती है तो आपको इंटरेस्ट है तो आप कोड़ार गांव हैं वहाँ जा सकते हैं, मछली मारते हैं तो उस नाव में आप बांध के अंदर जा सकते हैं नाव के लिए। आज तो भीड़ नहीं है, संडे को ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ। कोड़ार बांध लगा हुआ है तो आपको मैं ले चलता हूँ अब कोड़ार बांध के गेट के पास और दिखलाता हूँ पानी कितना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये गार्डन है और ये नेशनल हाईवे 53 जो कलकत्ता और बॉम्बे को जोड़ती है। गाड़ी अभी चल रहे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Chacha, ye gate abhi nahi khula hoga na? Kab khulta hai gate? Filhal. Haan, jo gate hai, kya bolte hai? और अभी तो नहीं, जो गेट का दरवाज़ा है वो तो खुला होगा ना, बंद रखते हैं ताला लगा के, वहाँ पर तो जा सकते हैं ना देखते हैं। इधर ये बंद रहता है, उधर से जा सकते हैं। बोर्ड वोट चलाना चाहिए यहाँ, कई लोग आएंगे पर्यटन जो घूमने हैं आते हैं, बोर्ड वोट चलिए यहाँ पे, यहाँ हो सकता है कुछ दिन बाद। हाँ चलो चलते हैं फिर गेट के पास। यह है कोड़ार बांध डैम का सबसे बड़ा गेट, तो आगे अपन चलते हैं और आपको दिखलाते हैं कोड़ार बांध डैम का बड़ा गेट। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शहीद वीर नारायण सिंह बांध कोड़ार बांध के मेन गेट पे हूँ। ये कोड़ार बांध का सबसे बड़ा गेट है
और आप देख सकते हैं ये सामने का व्यू, जस्ट गेट को खोलते हैं तो पानी इधर से जाता है और ये है कुड़ार बांध जो आप देख सकते हैं। और ये कुड़ार बांध का बड़ा गेट है। और ये है कुड़ार गांव, इसे कहते हैं कुड़ार गांव। और कुड़ार बांध को बने लगभग 3638 साल हो रहा है। 1981-82 में इस कुड़ार बांध का निर्माण हुआ और एक समय ऐसा आया था कि कुड़ार बांध में 9.50% पानी जल भरा हुआ था 1988-89 में। तो कुड़ार बांध की पानी 49 गांव तक जाती है और 16,750 हेक्टेयर जमीन इसमें सिंचित होती है, रवि फसल खरीफ फसल। जब पानी की ज़रूरत होता है तो इस गेट को खोल दिया जाता है और इस गेट का पानी जिस खेत को ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत रहता है अपने खेत में पानी सिंचित करने का, वो यूज़ कर। ये मेन गेट है और एक छोटा गेट वहाँ पर है। सितंबर अक्टूबर में पानी बिल्कुल साफ दिखता है, पानी साफ दिखता है ना बाद में। और क्या नाम है, क्या नाम? चुम्मन है ये, चुम्मन भाई। तुम्हारा क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार साहब कहाँ रहते हो? कुड़ार गाँव कहते हैं। उलट कुड़ार, उलट कुड़ार। और कुड़ार का उलट उधर है ना, जब पानी उलट लोकल महासिंह जिले से हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं और मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं जो मैं और बेहतर कर सकूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो फिलहाल के लिए ये कुड़ार बांध का था वीडियो और मैं आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं और जो लेटेस्ट वीडियो एड करूँ तो आप तक वो पहले पहुँचे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, पंचायत इन वीडियो से नीचे।